नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। अमेठी का लाल छत्तीसगढ़ में शहीद हो गया है। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में जवान शहीद हो गया है। अमेठी के रहने वाले थे शहीद एएसआई अनिल मौर्य। सीआरपीएफ में कार्यरत थे एएसआई अनिल मौर्य, नक्सलियों से लोहा लेते लेते शहीद हो गए। संवाददाता अखिलेश सोनी से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अखिलेश, अमेठी का एक लाल नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गया, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक पार्थिव शरीर अमेठी लाया जाएगा, कब अंतिम संस्कार होगा और क्या कुछ हुआ था मौके पर जब नक्सलियों से मुठभेड़ हुई? बिल्कुल अपूर्व, देखिए आपको बता दें, कल देर रात में सुकमा में हुआ था नक्सली हमला जिसमें अमेठी के रहने वाले अनिल मौर्य को गोली लगी, जिसके बाद वो शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि ये मौके पर काफी बहादुरी से लड़े और इन्होंने सात नक्सलियों को मार गिराया। सात नक्सलियों को मारने के बाद ये खुद शहीद हुए हैं। फिलहाल अभी उनके घर की स्थिति सामान्य और घर वालों किसी को जानकारी नहीं है। अभी जो बताया जा रहा है, अधिकारी जो पुष्टि कर रहे हैं कि रायपुर इनका पार्थिव शरीर गया है छत्तीसगढ़ के, वहाँ इनका पीएम होने जाए, पीएम होने पर कल शाम तक या देर रात तक पार्थिव शरीर अमेठी आएगा। शहीद के घर पे कौन कौन है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अनिल मौर्य चार बच्चों के पिता, जिसमें दो बेटे और दो बेटा थे। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है पहले ही और दो बेटे अभी भी अनमैरिड हैं और इनके पिता हैं और इनकी माँ जी हैं, घर में इनके भाई हैं। इनकी माँ की भी तबीयत काफी खराब रहती है, इसीलिए अभी इनको न तो प्रशासन की तरफ से बताया गया इनके परिवार वालों को और न ही स्थानीय लोगों की तरफ से इनको बताया गया है। जी, पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा, क्या जानकारी इस बारे में, कब तक अंतिम संस्कार होगा? देखिए पूर्व, अभी पार्थिव शरीर इनका रायपुर में इनका पीएम होने जा रहा है और कल शाम तक इनका पार्थिव शरीर अमेठी आएगा, जिसके बाद अमेठी में इनका अंतिम संस्कार होगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए।